नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। यूपी के लखीमपुर खीरी में विवाद हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी से कुचलकर चार किसानों की मौत के बाद सभी का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। इससे पहले सभी शवों को डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी को गोली लगने की रिपोर्ट नहीं है। सभी की मौत शॉक, ब्रेन हेमरेज और अधिक खून निकल जाने से हुआ। गौरतलब है कि लखीमपुर के तिकोनिया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर किसानों की हत्या का आरोप लगा है। आशीष के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। किसानों का आरोप है कि आशीष मिश्रा द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई, जिसमें चार लोगों की मौत हुई है। हालांकि आशीष मिश्रा ने इन आरोपों से इनकार किया है। आशीष ने उल्टा यह आरोप लगाया है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने BJP के समर्थकों के ऊपर हमला किया है, जिसमें उनकी गाड़ी के ड्राइवर समेत चार लोगों की मौत हुई है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।